हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आपका अपना छोटा भाई आ गया है आपके लिए, आपका एलईडी बल्ब रिपेयर करने के लिए। तो आप अपने छोटे भाई की वीडियो देखकर आप अपना किचन का एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हो और अपनी माँ की हेल्प कर सकते हो। दोस्तों, क्यों हेल्प को हमने इसलिए कहा है कि हमारी जो खाना बनाने का माँ का किचन होता है, उसमें जो एलईडी बल्ब इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं जलते जलते। तो आप भी एक पेंसिल की मदद से दोस्तों रिपेयर कर सकते हो, और बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको एक बार का टुकड़ा ले लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ एक बार का टुकड़ा। तो हमें एक एक SMD दोस्तों चेक करनी है इस तरीके से। ये भी देखो, ये हमारी LED जो सही होंगी वो नहीं जलेंगी, और जो शॉर्ट होगी उसको शॉर्ट करने से जल जाएगी। तो आप देख सकते हो, ये हमारी LED शॉर्ट है दोस्तों, और आप इस तरीके से इसे एक चोर भी कह सकते हो। ये चोर बैठा हुआ था इसमें, जो हमारी LED बल्ब को जलने नहीं दे रहा था। बाकी हमारे सारे ख़राब सही हैं, एक ही हमारा ये ख़राब है, और ये चोर हमने पकड़ लिया है दोस्तों। चोरी करने वाला चोर नहीं, रोशनी ना करने वाला चोर। तो अभी दोस्तों हम इस पेंसिल से इसको निशान लगा लेंगे, ताकि हमें जब हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो हमें पता चले कि हमारी यही SMD ख़राब थी। और हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं, जो हमारे पढ़ने वाले छोटे छोटे जो भाई होते हैं, आप इस एक पेंसिल की मदद से इसको रिपेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, और हमें एक LP की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो आपके पास कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर हो, एक पेंसिल हो और एक LP हो, इससे ही आप इसको रिपेयर कर सकते हो। कहीं पर भी दोस्तों जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नया बल्ब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप घर पे ही आसानी से होम रिपेयरिंग कर सकते हो। इस तरीके का एक पत्थर का टुकड़ा ले लेंगे, इस पे हम इसको घिस देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा वीडियो ज़्यादा हमारा लंबा हो जाता, फिर आप लोग वीडियो छोड़कर भाग जाते और वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसे थोड़ा फास्ट कर लिया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दोस्तों अमेजिंग वीडियो आपके लिए आपके छोटे भाई ने बनाई है। और दोस्तों, नया बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो हमारा ये पेंसिल का हमारा पाउडर जो हमने बना लिया है, अब इस पाउडर को दोस्तों हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद इस पर हम लगा लेंगे। तो कुछ बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से इसको लगाना है। ये फैल चुका है सब में, ये हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। और LP की एक दो ही बूंद डालनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी और भी SMD ख़राब हो जाएंगी। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमने तार के टुकड़े से SMD चेक कर रहे थे, ये जो हमारे प्लस माइनस के इनपुट दिख रहा है, इस पर टच नहीं हो हमारे हाथ, नहीं तो खतरा हो सकता है, शॉर्ट भी लग सकता है दोस्तों। तो हमें इस तरीके से LP का एक बूंद गिरा लेंगे, और गिराने के बाद में दोस्तों इस पर थोड़ा सूखने का इंतज़ार भी करते हैं। सॉरी, अभी चिपकने दो, फिर हम इसको सुखा लेंगे, अच्छे तरीके से सुखा लेंगे दोस्तों इसको। अब हम इसको सूखने का इंतज़ार करते हैं। कुछ जो हमारा एक्स्ट्रा पाउडर गिर गया है इधर उधर, LP जो हमारी से बचकर, इसको हम साफ कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हमने साफ कर लिया है। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले एक माँ के लिए एक शायरी हो जाए माँ पर, कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
ये देख सकते हो चेक हो गया है हमारा एलईडी डेवलप ठीक भी हो गया है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते होगे तो वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को जरूर दबाओगे दोस्तों। तो हमारी वीडियो आपको अमेजिंग वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और